पापा, खाने में कोफ्ते बनाए हैं, आपके लिए करेला बना दे। हाँ बहू, कोफ्ते तो ज्यादा ऑयली हो जाएंगे ना हमारे लिए। ठीक है। सारी दुनिया से अच्छे से बात करो, बस अपने पति से सींग लड़ाओ, उसी को दुश्मनी दिखाओ। इतना भी का खोट है तुम्हारे मन में जो अपने पति से ढंग से बात नहीं कर सकती तुम? हम देखते हैं, बैंक से फोन होगा। हेलो, क्या ऐसे कैसे हो गया? कौन कौन से हॉस्पिटल लेकर गए हैं? हॉस्पिटल? रिलैक्स रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सब सब हट जाओ, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई कोई हाथ नहीं लगाएगा, कोई हाथ नहीं लगाएगा, रिलैक्स। ठीक है, कोई हाथ नहीं लगाएगा। सम्राजी क्या हो, डॉक्टर ये ठीक तो है ना? पीछे हाथ मत लगाइए। अब क्यों ये, अब जाइए, हो गया। हाय जी, क्या हो गया? अब जाइए, आपने जो करना था कर लिया, मेरे साथ आप जाइए यहाँ से। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम बच गए। देखिए, इनका नी डिसलोकेट हो गया है और इनके बैक में काफी चोटें आई हैं और इनके पैर में भी माइनर फ्रैक्चर है। वैसे हम देख रहे हैं, अगर ये चेक करने दे तो। रिलैक्स रिलैक्स। देखिए, इनके घुटने को ठीक करना है तो प्लास्टर तो लगाना ही होगा। डॉक्टर साहब, आप जो करना करो, पैसे वैसे खर्चे वर्चे की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप अपना काम कीजिए। नहीं नहीं, नहीं नहीं, देखिए पैसे की बात नहीं है, अगर इनका घुटना ठीक करना है तो इनका नी बिठाना पड़ेगा। अगर ज्यादा लेट हो गया तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, आप प्लीज इन्हें समझाइए। कुछ नहीं करेंगे आप, पीछे हटिए। अरे सम्राट बेटा, जो जरूरी है वो तो करना पड़ेगा ना। अरे कुछ नहीं करना, आप कुछ नहीं लगाएंगे, प्लास्टर वास्टर लगाना, लगा दीजिए ऐसी बात। सम्राट, घुटना ठीक किए बगैर प्लास्टर नहीं लगेगा। चुप रहो, डॉक्टर है, डॉक्टर को अपना काम करने दो। बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो। बेटा बेटा, थोड़ा सा दर्द बर्दाश्त कर लो। खराब हो गया आपका दर्द, बर्दाश्त कर लो, पता है क्या दर्द हो रहा है? क्या बच्चों जैसी हरकत कर रहे हैं आप? थोड़ा सा दर्द नहीं बर्दाश्त कर सकते आप? डॉक्टर आपके अच्छे के लिए कर रहे, करने दीजिए उन्हें। पता दर्द क्या होता है, दर्द लगा रखा है अपने। नहीं, बहुत अच्छे तरीके से पता है कि दर्द क्या होता है। डॉक्टर साहब, आपको जो करना कीजिए, इसके लिए अगर जबरदस्ती करनी पड़े तो भी कीजिए, हम है यहाँ पर, शुरू कीजिए। अरे पागल हो गए क्या? चुप रहिए सम्राट जी। वार्ड बॉय, जल्दी आओ, इनका हाथ पकड़ो। आराम से, आराम से डॉक्टर साहब, आराम से। पैर पकड़ो इनके, पकड़ो पकड़ो। दिमाग खराब हो गया आपका। अच्छा, अरे चाय और पानी लाना। जी पापा, आप उर्मी से कुछ बात हुई थी क्या? नहीं तो काहे? देखिए, घबराइएगा मत, उर्मी का हमें फोन आया था, सम्राट जी का एक्सीडेंट हुआ है, वो हॉस्पिटल में। कहाँ जी, कहाँ कह रहे हो तुम, कब कहाँ कैसे, वो ठीक तो है? हाँ, घबराने की कोई बात नहीं है, सब ठीक है। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, हम लोग को चलना, जिस तरह जल्दी करो। पापा, आप बैठिए, अभी हम वहां नहीं जा सकते, उर्मी ने मना किया। कहाँ है वो? विजिटिंग आज भी खत्म हो गए और सम्राट को पेन किलर देके उसे सुला दिया है।
अरे पर चोट का बहुत ज्यादा लगी है, पेन किलर तो तब देते हैं जब। माँ वो सर पे थोड़ी सी चोट आई है, कमर में भी काफी चोट आई है और पैर भी फ्रैक्चर हुआ है। सम्राट बहुत दर्द में था इसलिए उसे पेन किलर देके उसे सुला दिया है। कौनो बहुत बड़ी बला रही जो टल गई भगवान की कृपा से। अच्छा अब हमें समझ में आया कि हमें क्या हो गया है। माँ जी हमें भी ना फ्रैक्चर की तकलीफ हो गई है। क्या? हाँ अभी आपने बताया ना कि फ्रैक्चर में बहुत दर्द होता है, तो सुबह से हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हमें भी ना पेट में फ्रैक्चर हो गया है। आशा तुम्हारे पेट में नहीं तुम्हारे दिमाग में फ्रैक्चर है, वो भी पैदाइशी। भाभी फ्रैक्चर का मतलब होता है टूटना, हड्डी टूटती है पेट नहीं, और उसी टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए ना हॉस्पिटल में प्लास्टर चढ़ाया जाता है। अच्छा टूटना ये मतलब होता है फ्रैक्चर का। हाँ ठीक है। हे भगवान हमारी बच्ची कितनी परेशान हो रही होगी। मम्मी हमें भी दीदी की चिंता हो रही है। अरे गौरव जी कल आप अस्पताल जाएंगे ना तो इन पे भी प्लास्टर लगवा लाना, है ना, कब से घर में टूटे हुए पड़े, लगे हाथ ये भी सही हो जाएगा। डॉक्टर साहब ये दवाइयाँ देख लीजिए। जी हाँ देखिए ये दवाइयाँ बहुत जरूरी है, ये मिस नहीं होनी चाहिए। ये सिरप आपको सुबह शाम देना है और उन्हें ज्यादा पेन हो तो आप ये गोली दे सकते हैं जी। और घाव पर ये मलहम लगाना है। और मिसेस सम्राट डोंट टेक टेंशन, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। सिस्टर पेशेंट को एक ड्रिप एंटीबायोटिक मिक्स करके दे देना। ओके थैंक यू डॉक्टर। ओके टेक केयर। डॉक्टर साहब सब ठीक तो है ना? जी हाँ सब ठीक है। आप लोगों ने हॉस्पिटल और पुलिस की फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी? हाँ वो सब हो गया डॉक्टर। मेरा भाई कैसे? घबराइए नहीं सब कुछ ठीक है। शुक्र मनाइए कि कोई इंटरनल इंजरी नहीं थी। फिर भी हम उन्हें एक दिन ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आप जितने दिन उन्हें रखना चाहे रख लीजिए। मेरा मतलब है बस इलाज ठीक से होना चाहिए बस। डोंट वरी हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम है, पैर के साथ उनकी कमर भी डिसलोकेट हो गई है जिसकी वजह से फिलहाल उन्हें चलने फिरने में दिक्कत होगी, इसीलिए उन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है। जितना ये रेस्ट करेंगे उतनी फास्ट इनकी रिकवरी होगी। रेस्ट ही इनकी सबसे बड़ी मेडिसिन है। मतलब भैया इतने दिन बस बेड पर ही रहेंगे? मतलब भैया बेड पे? जी हाँ इसके लिए आपको इनका ध्यान रखना होगा, नहीं तो इन्हें लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम हो सकती है। कोई खतरे की बात तो नहीं है डॉक्टर साहब? वो सर की चोट? नथिंग टू वरी अबाउट दैट, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रिकॉशनरी ऑब्जर्वेशन के लिए हम एक दिन उन्हें रखेंगे, कल आप उन्हें लेकर जा सकते हैं। बट हाँ बेड रेस्ट इज मस्ट, ध्यान रखिएगा। ओके बाय टेक केयर। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। भगवान कैसी हालत हो गई हमारे बेटे की, जाने किसकी पूरी नजर लग गई है उसको। अच्छा सुना तुम सब लोग जाओ घर, समझे, हम यहाँ सम्राट के पास रुकेंगे।
अरे नहीं नहीं ताऊ जी, आप क्यों रुकेंगे? हम रुकेंगे ना, हम रुकते हैं। नहीं, हम रुक जाएंगे। आप लोग घर जाकर आराम कीजिए। नहीं नहीं बहू, हम दोनों यहां रुक जाते हैं। तुम तो पहले से ही परेशान हो, और फिर सम्राट को संभालोगी कैसे बेटा? रुद्र सबसे अच्छे तरीके से यही संभालेगी उर्मी। अब इसको मालूम है कि कैसे हैंडल करना है। पर जेठ जी, हम ताऊ जी, पापा, आप लोग सब घर जाइए, थक गए होंगे आप लोग। हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, हम सब संभाल लेंगे। अच्छा उर्मी भाभी, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे जरूर फोन करना, एनी टाइम। तभी राजा ने अपने तोते से कहा कि तुमसे सुखी तोता इस संसार में कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि तुम इस सोने के पिंजरे में रह रहे हो। पता है तोता क्या बोला? क्या? तोते ने कहा कि घास के घोंसले में रहने वाला तोता सबसे ज्यादा सुखी है, क्योंकि वो आजाद है। बड़े मम्मी, आज मैं यहाँ क्यों सो रहा हूँ? मैं अपने कमरे में क्यों नहीं सो रहा? और मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? चाची और चाचू किसी जरूरी काम से गए ना, इसलिए वो आ जाएंगे, फिर तुम अपने कमरे में जाके सो जाना। चौरे बेटा, सुबह सुबह तुम्हारे मम्मी पापा वापस आ जाएंगे, और आप मंदिरा दीदी के साथ सोने की जिद कर रहे थे ना, आज आपको हमारे साथ सोने का मौका मिल गया। तुम तो जिद करते थे ना हमारे साथ सोने के लिए, तुमको अच्छा नहीं लग रहा क्या? बड़े मम्मी, पापा को फिर से पुलिस पकड़ के ले गई है क्या? मामा को भी पुलिस उनको धंधे से मारेगी क्या? सॉरी बेटा, कोई पुलिस वुलिस नहीं आई बेटे, ऐसे कैसे पुलिस ले जाएगी? हाँ बोलो। का है वो, कब आएंगे मेरे मम्मी पापा? शौर्य बेटा, वो आ जाएंगे, अब आप बस सो जाओ। कल सुबह आप जब जगोगे ना, तब आपके सामने आपके मम्मी पापा होंगे। सच्ची?
मुच्छी। चलो अब जल्दी से सो जाओ। मंदिरा तुम भी सो जाओ शौर्य के साथ। चलो चलो चलो। चलो जल्दी जल्दी अपनी आंखें बंद करो ताकि फटाफट सुबह हो जाए और शौर्य की मम्मा जल्दी आ जाए। ये अचानक सब हुआ कैसे? आई उर्मी ने जो कुछ भी किया ना उसके बाद हमारा बेटा इतना परेशान हो गया कि होश ही नहीं रहा। हो गया एक्सीडेंट। किसी की भी बीबी ऐसा करेगी तो आदमी को होश रहेगा का? अरे शशि, इसमें उर्मी की क्या गलती है? एक्सीडेंट होना था, हो गया। अरे ये आपकी बहू बहुत सीधी है, मतलब बहुत ही शालीन। बोलती उलती नहीं है क्या? मुंह में जबानी नहीं है? हाँ हाँ, बहुत शर्मीली है, कुछ कम ही बोलत है। अरे इस सब की क्या जरूरत है बेटा? जे लोग आए नहीं अभी तक, हमारी बात हुई थी उर्मी से, कह रही थी कि हॉस्पिटल से तो निकल गए जो लोग, काय इतनी देर लगी? इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। शहर में ट्रैफिक होगा ना, इसीलिए देर लग रही है। आराम से आराम से आराम से अमृत, आराम से। सम्राट बेटा, क्या बात है भाई, कोई जश्न मश्न मनाया जा रहा है मेरे पीछे से? यहाँ पर पूरी पलटन इकट्ठा है। अरे हाँ जी सम्राट बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? ये सब तुम्हें देखने आए क्या भाई? मैं कोई जोकर हूँ? ये पकड़ो यार अमृत, ये यहाँ कोई सर्कस होने वाला है क्या? होने वाला है पता है क्यों आए हैं? ये देखने आए हैं कि सम्राट सिंह राठौड़ जिंदा है कि मर गया, ये देखने आए। अरे पता है मुझे। ए सम्राट, से कैसे बात कर रहे हैं? अरे ये लोग तुम्हें अस्पताल में देखने नहीं पहुंच पाए थे, इसलिए तुमको यहाँ पर देखने के लिए चले आए हैं। क्या उलझुल बकते रहते हो? दिमाग ठंडा रखो। अब बेटा इसे ऊपर ले जाओ, ये ऊपर जाके आराम कर लेगा थोड़ा। हाँ चलो जाओ। क्यों ऊपर ले जाओ? क्यों ऊपर लेके जाओ? इन्हें ऊपर लेके जाओ, आप जाइए ऊपर, इन्हें लेके जाओ। क्या यहाँ सबको दिक्कत है? मुझसे दिक्कत है या गंदा बास मार रहा हूं मैं? मार भी रहा हूं तो सहना पड़ेगा। बेटा हम तो इसलिए कह रहे थे कि मैं यहीं रहूंगा, ऊपर भेजने में लगी हुई है। अभी तो बचा हूं ऊपर जाते जाते। क्यों ताऊ जी, है कि नहीं? अब तो यही रहना है और सबको ठीक करना है। आइए आप लोग भी बैठिए। सम्राट बेटा, दर्द अभी भी ज्यादा हो रहा है क्या? अरे नहीं नहीं, क्या बात कर दिया आपने, हाँ? इतना सजा धजा व्हीलचेयर पे बैठा दिखाई नहीं दे रहा मैं आपको। हाँ जी भगवान के इंसाफ का भी क्या कहना है ना जीजू।
आपने हमारी उर्मी दीदी को मारा था, लेकिन देखिए ऊपर वाले ने तो आपको ही सजा दे दी। उर्मी दीदी को तो बहुत दर्द हुआ, लेकिन आप तो अपने पैरों पर खड़े होने लायक भी नहीं रहे। भगवान की लाठी आपकी लाठी से बहुत मजबूत है, इतना तो आपकी समझ में आ ही गया होगा ना। इसे कहते हैं इंसान। दादी आप ना एकदम सही कहती है, अपने सारे कर्मों का फैसला यही इसी दुनिया में भुगतना पड़ता है। ये गलती जरूर की है मैंने। इन्हें पीटने में कसर छोड़ी मैंने। इनके बाप पैर तोड़ के इन्हें अपाइट बना दिया होता ना, तो पुलिस स्टेशन चलकर जाने की ना तो इनकी हिम्मत होती ना औकात होती।